नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। लास्ट क्लास में हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे। टेस्टिस के बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास को थोड़ा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है या जर्म सेल्स, एक ही बात है। और एक तरफ क्या थी, सर्टोरी सेल्स, ठीक है। ये दोनों सेल्स कहां प्रेजेंट थी, ये दोनों सेल्स प्रेजेंट थी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, ठीक है। जर्म सेल्स से क्या बन रहा था, इस पर चलो स्पर्म बन गया। और ये स्पर्म कहां जा रहा था, सर्टोरी सेल के पास में। सपोज ये स्पर्म बना और ये स्पर्म आके इसका हेड इसमें चला गया, ठीक। क्यों, ताकि इससे न्यूट्रिशन लेता रहे, ठीक है। ये सर्टोरी सेल है, इससे न्यूट्रिशन ले रहा है। सर्टोरी सेल्स के मैंने 2 फंक्शंस और बताए थे लास्ट क्लास पे, लास्ट वीडियो देखना आप। उसमें जैसे एक तो था कि टेस्टिस ब्लड बैरियर बना रहा है ये, सेकंड ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा, ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं अपन, देखो ये स्पर्म है, यहां से निकलेगा सर्टोरी सेल से, जब स्पर्म वापस बाहर आता है इसे बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। यहां पर मैं आपको 3-4 टर्म बताने जा रहा हूं, ये टर्म्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम विद डायग्राम थोड़ा समझेंगे तो समझ में अच्छी तरह आएगा। सर्टोरी सेल से अगर स्पर्म बाहर आ रहा है इसे क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। इसके बाद ये स्पर्म ये आ गया टेस्टिस से बाहर, ये क्या है टेस्टिस, इससे बाहर अगर स्पर्म आ रहा है इसे क्या बोलेंगे अपन, सेमिनेशन। सर्टोरी सेल से बाहर आना स्पर्मिएशन, टेस्ट से बाहर आना सेमिनेशन। इसके बाद ये स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम इजेकुलेशन। सर्टोरी सेल से बाहर स्पर्मिएशन, टेस्टिस से बाहर सेमिनेशन, पेनिस से बाहर इजेकुलेशन। और अगर ये वेजाइना में एंटर हो रहा, ठीक है, इसे बोलेंगे हम इनसेमिनेशन, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते हैं, सर्टोरी सेल से बाहर आना स्पर्म का क्या है, स्पर्मिएशन। फिर टेस्टिस से बाहर आना क्या है, सेमिनेशन। फिर बॉडी से बाहर जाना बाय पेनिस इजेकुलेशन। एंड उसके बाद जो लास्ट है वो है इनसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना, ठीक है, कॉल्ड इनसेमिनेशन, ठीक है। यहां पे बात होगी, मतलब एक मैच्योर स्पर्म है उसके स्ट्रक्चर ये होगी। इसमें क्या है, ठीक है, मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर ये। इसमें देखते हैं अपन, एक स्पर्म है, एक पार्ट है हेड, एक मिडिल पार्ट, एक टेल। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेड, मिडिल पार्ट, टेल। हेड जो होता है इसकी जो कैप होती है उसको बोलते हैं हम ग्लिया कैविटीज, ये ध्यान रखना। चलो उससे पहले देखते हैं जो पूरा स्पर्म है ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाइलेयर होती है, हालांकि मैंने इसमें दिखाया नहीं, लेकिन बाइलेयर होती है, ध्यान रखना। पूरा स्पर्म प्लाज्मा से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। हेड में कैप रीजन है, इस कैप के टिप को बोलते हैं ग्लिया कैपेटिस। और इसके अंदर ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, एक्रोसोम, ठीक है, क्या है, एक्रोसोम, एक्रो
एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले? हाइलुरोनिडेज। इनको हम इसी हिंदी में वैसे याद रखेंगे, ठीक है, हाइलुरोनिडेज। एक्चुअल में इनमें क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। और लाइसोसोम्स किससे बनते हैं? गोल्जी बॉडीज। तो देखो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। एक्रोसोम में कौन सा सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग ज्यादा होता है? गोल्जी बॉडी ज्यादा होता है और लाइसोसोम्स ज्यादा होते हैं। लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? हाइलुरोनिडेज। फंक्शन क्या है कि ये एग जो होता है, इस पर हम एग से जाके मिलेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे क्या करेगा, ये डिसॉल्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। अंडा जो होता है उसकी मेम्ब्रेन को ये ब्रेक कर देगा, डिसॉल्व मतलब घोल देगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद ये एंटर हो जाएगा एग के अंदर, मतलब हेल्प किस में कर रहा है, ये फर्टिलाइजेशन निषेचन में हेल्प कर रहा है। आगे बात करें, ये जो पार्ट है मेन पार्ट इसका ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन, सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम होता है। अच्छा, प्रोटीन प्रोटामिन होती है, ये होती है बेसिक, बेसिक मतलब क्षारीय, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना, क्षारीय प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज डीएनए से जुड़ी होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये स्पर्म है तो इनके अंदर प्लोइडी होती है, तो क्रोमोसोम होते हैं वो होता है हैप्लोइड एंड एगोइड। ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो कितने होंगे? 23, ध्यान रखना, 46 में से क्या होंगे? 23। अब 23 कौन से होते हैं? या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई, दोनों में से एक होगा, पर एक होगा, या तो ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये है इसका नेक रीजन, छोटा सा ये बीच में नेक रीजन है। इस नेक रीजन में दो पॉइंट बना रखे हैं मैंने, ऊपर वाला प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल मतलब हिंदी में बोलेंगे समीपस्थ, समीपस्थ तारक केंद्र, दो तार, तीन तारक केंद्र होते हैं नेक में, दो है प्रोक्सिमल मतलब जो न्यूक्लियस के पास में है उसे बोलेंगे प्रोक्सिमल, और जो न्यूक्लियस से दूर है उसे बोलेंगे डिस्टल, डिस्टल मतलब दूरस्थ, दूरस्थ जो दूर है, दूरस्थ अंदर तारक केंद्र और प्रोक्सिमल। देखो ये जब फर्टिलाइजेशन होता है मतलब निषेचन होगा तो ये वाला पोर्शन एग में जाएगा, यहां तक कंप्लीट भी चल जाता है, लेकिन मेनली ये पोर्शन होता है, मतलब हमें ये ध्यान देना है इसका फंक्शन क्या है, प्रोक्सिमल सेंट्रल का फंक्शन क्या है। तो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं, इसका फंक्शन है ये है, इट इंड्यूस माइटोसिस इन अरेस्टेड ओवम। ओवम जो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड होता है, अंडाणु, फीमेल के अंदर अंडाणु जो होता है वो अंडाणु क्या होता है? अरेस्टेड मतलब रुका हुआ होता है, तो उसके अंदर माइटोसिस मतलब डिवीजन स्टार्ट करता है, बस ये ध्यान रखना आप। इसका स्पर्म में यहाँ कोई रोल नहीं है, इसका रोल कब आएगा? निषेचन के बाद में अंडाणु के अंदर डिवीजन स्टार्ट कर देगा, जो रुका हुआ था उसको इंड्यूस कर देगा, ठीक है, मतलब अंडाणु के अंदर माइटोसिस को प्रेरित करना। कौन कर रहा है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ सेंट्रियोल है, देखो यहां से इसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं,
बेसल बॉडी मतलब आधार का है। देखो यहां से एक तंतु निकला हुआ है, इस तंतु को बोलेंगे अपन एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट। देखो इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखना। तुमने सीलिया और फ्लेजिला के बारे में पढ़ा होगा यूकेरियोट्स के अंदर, जिसके अंदर 9 रिंग्स बाहर की तरफ होती है, 2 सेंट्रल में होती है, उसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है, वो यहाँ पे होता है। और उस इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 सेंटर में, ये तो 9+2 हो गया। लेकिन स्पेशली स्पर्म के अंदर क्या होता है, 9 अलग से प्रोटीन और प्रेजेंट होती है इस तरह से। तो इस अरेंजमेंट में क्या बोल देंगे अपन 9+9+2, ठीक है, 9+9+2 होता है। लेकिन अगर टेल रीजन की बात करेंगे, ये वाला रीजन, टेल यहां से यहां तक, लेकिन ये वाला रीजन है यहां से यहां तक, यहां पर यही होता है, मतलब ये वाला पोर्शन है, प्रोटीन वाला पार्ट है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं जो दूरस्थ पार्ट है, डिस्टल पार्ट ऑफ द टेल, इन डिस्टल पार्ट ऑफ द टेल 9 पेरिफेरल प्रोटीन्स एब्सेंट, जो 9 परिधीय प्रोटीन थी वो अनुपस्थित होती है इस वाले पार्ट में, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, एक सेंट्रल और है, रिंग सेंट्रल बोलेंगे यहाँ पर, ये मिडिल पीस और टेल के बीच में, ये मिडिल पीस है यहाँ से यहाँ तक और टेल है इसके बीच में, इसे बोलेंगे रिंग सेंट्रियोल या एन्यूलस। इसका कोई फंक्शन अभी अननोन है, कोई खास फंक्शन है नहीं, मतलब अननोन ही है, पता ही नहीं है क्या है इसका। अब रहा मेन पार्ट, एक और जो स्पर्म है इसकी जो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, वो होता है ये बीच वाला पार्ट, मैनचेटे, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्यों, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, स्पाइरल फॉर्म में सर्पिलाकार, ठीक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं जिसे हम बोलते हैं निबंधकरण शीट, क्या बोलते हैं, निबंधकरण शीट। साइंटिस्ट का नाम है, तो ये क्या, इसको बोलते हैं एनर्जी चैम्बर पूरे को। ये क्या करेगा, जब स्पर्म जैसे इजुकुलेशन होता है या स्पर्मिएशन होता है, मैंने 3-4 टर्म बताई थी, उसमें स्पर्म मूव करता है, ठीक है। खासकर इसकी जरूरत कब पड़ती है, वैसे मेनली जब इनसेमिनेशन होता है, स्पर्म वेजाइने में जाता है, उसके बाद इसको मूव करके कहां तक जाना होता है, फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, मतलब वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से आगे यूट्रस, गर्भाशय, गर्भाशय से आगे फेलोपियन ट्यूब, वहां तक इसको सफर करना होता है। अब वहां तक कैसे जाएगा ये, जब तक इसके पास एनर्जी नहीं होगी तब तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो ये स्पर्म का एक ओवरऑल मतलब हम बोल सकते हैं ओवरव्यू हो गया एक तरह से, ओवरव्यू का एक डिटेल ही हो गया। आप जो मैंने कहा है वो लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम में ही मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पर्म स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।